लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। जय ब्रह्मदेव, जय दैत्य गुरु शुक्राचार्य। वेदों को पाताल लोक में लाकर बांधने से सारे संसार में अज्ञान का अंधकार छा जाएगा। दैत्य संस्कृति शक्तिशाली होकर तीनों लोकों पर अपना राज करेगी। जय दैत्य संस्कृति की। क्या बात है देवी, आज आपने सदा की भांति हमारा स्वागत नहीं किया? आप हमसे रुष्ट हैं क्या? ब्रह्मदेव, वे सृष्टि के दिव्य ज्ञान के आधार हैं। उन पर आपकी अर्धांगिनी एवं ज्ञान विद्या की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण मेरा भी समान अधिकार है। आप एकाकी ही उनको किसी मूर्ख दुराचारी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? देवी सरस्वती, दुर्ग मासुर के हाथों वेदों का अधिकार सौंप कर मैं स्वयं भी आत्मग्लानी के भाव से प्रसिद्ध। ऐसी स्थिति में आपने दुर्गमासुर को वेदों का अधिकार दिया ही क्यों, जबकि आप स्वयं जानते हैं कि दुर्गमासुर वेदों को अपार कष्ट पहुंचाने के साथ ही उनके अस्मिता से भी खिलवाड़ कर सकता है। देवी, तपस्या रत व्यक्ति को प्रतिफल देना सृष्टि का नियम एवं विधि का विधान भी है। स्वयं सृष्टि के मूल आधार भगवान शिव की भी यह इच्छा थी, इसी कारण हम विवश थे। स्वामी, आपने ब्रह्मदेव को वरदान में वेदों को प्रदान करने का परामर्श देकर अच्छा नहीं किया। अब वेद ज्ञान विहीन यज्ञकर्ता ब्राह्मण दुर्दशा को प्राप्त होंगे। देवी, तुम अपने पूर्व प्रश्न की ही पुनरावृत्ति कर रही। इस प्रश्न के समस्त बिंदुओं पर पहले ही निर्णय हो गया है। अब तो वेद दुर्गमासुर के अधिकार में पहुंच भी गए हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा स्वामी? दुष्ट की दुष्टता और पापी के पाप चरम स्थिति तक पहुंचने की प्रतीक्षा। बृहस्पति प्रथम जायमानो भवज्योतिष्प्रमेय व्योमन्न सप्तस्यार्थ विजातोर्भेन विषप्तरश्मिरदमश्रुणोति। बृहस्पति प्रथम। बोलो बोलो। बृहस्पति प्रथम। बोलो शिष्य, भूल क्यों रहे हो? बोलो। बृहस्पति प्रथम। ये क्या, वेद ऋचाओं का पाठ तो हम नित्य ही करते हैं, फिर इन्हें हम आज क्यों भूल रहे हैं? आज क्यों भूल रहे हैं? ठहरो शिष्यों, मैं पुनः तुम्हें सुनाता हूँ, सावधानी तथा ध्यान पूर्वक सुनो। बृहस्पति प्रथम। बृहस्पति प्रथम। बृहस्पति प्रथम। ये क्या, कंठित वेद ऋचाएं स्वयं में कैसे भूल रहा हूँ? हे परमात्मा, वेद ही हमारी जीवन का मूल आधार है, उन्हें भूलकर हमारा जीवन ही व्यर्थ है। हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, प्रथम पूज्य गणेश, हमें ज्ञान दो।
यज्ञ करता हूं, हमारे अतिरिक्त तुम्हें और कोई ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। यज्ञ करताओं, तुम्हारे ज्ञान के भंडार चारों वेद हमारे वश में पाताल लोक में हैं। हम दुर्गमासुर हैं, हमारी पूजा करो, हमारी आराधना करो, हमारी शक्ति तुम्हारे हर देवता से अधिक है। दैत्य जाति का आधिपत्य स्वीकार करके हमारी जय जयकार करो। हम तुम्हें वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो आज तक इस यज्ञ से तुम प्राप्त नहीं कर सके। हाँ हाँ, दैत्य संस्कृति को स्वीकार करना ही उचित होगा। दैत्य संस्कृति से महान और शक्तिशाली कोई नहीं। शिव 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 शिव। ज्ञान के अभाव के कारण मानसिक भ्रम की स्थिति यहाँ तक आ पहुँची। नारायण नारायण। दैत्य संस्कृति अमर रहे। दैत्य राज दुर्गमासुर अमर रहे। दैत्य संस्कृति अमर रहे। सुंदरियो, इन्हें जीवन के आनंद का उचित आभास कराओ। पियो। मदिरा? नहीं, जीवन अमृत है। जीवन अमृत? जीवन का आनंद। सौंदर्य दर्पण। दैत्यराज दुर्गमासुर अमर रहे। दैत्य संस्कृति अमर रहे। श्री हरि, श्री हरि, जगत के पालनहार श्री हरि, अपने जगत की रक्षा करें। श्री हरि अपने जगत की रक्षा करें। अज्ञान के अंधकार ने समस्त पृथ्वी पर महामारी का रूप धारण कर लिया है, अपने जगत की रक्षा करें। महामारी का रूप धारण कर लिया है, मैं कुछ समझी नहीं। माता, इस विकट स्थिति को संभवतः हमें से कोई भी नहीं समझ पा रहा है। अपनी बात स्पष्ट करो नारद, कौन है वो महामारी? दुर्गमासुर। दुर्गमासुर रूपी महामारी ने सारे संसार पे अपना ग्रहण लगा दिया है। विद्वान से विद्वान ऋषि मुनि भी वेद ऋचाएं भूलकर मदिरा पान और परस्त्री संसर्ग में मग्न है, व्यस्त है। ये तो अनर्थ हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्वामी, इसे रोकने का कोई उपाय करें। हाँ प्रभु, दुर्गमासुर को उसकी दुष्टता का दंड दें। नारद, ब्रह्मवाक्य की मर्यादा में हम त्रिदेव बंधे हैं, इसीलिए दुर्गमासुर हम त्रिदेवों के लिए अवध्य है। तब इस महादुष्ट का नाश कैसे होगा स्वामी? उसकी वरदानी शक्ति एवं आसुरी स्वरूप को नष्ट करने के लिए सभी को देवी शक्ति का आवाहन करना होगा। Ha 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 ha
हमारी रक्षा करें भोलेनाथ, आप हम पर सदा कृपालु रहे हैं शिव शंकर। अत्याचारी दुर्गमासुर ने हमारा जीना दुभर कर रखा है, हमारे सत्कर्मों का फल पूर्णतया नाश कर दिया है देवाधिदेव। धर्म का नाश और अधर्म का उदय हो रहा है महादेव। प्रभु धर्म का पुनरुत्थान करो। दीनानाथ धर्म संस्थापना के लिए अपनी आंखें खोलें। दुर्गमासुर को उसके पापों का दंड दें महेश्वर। पति परमेश्वराय नमो नमः। आंखें खोलिए स्वामी, अपनी समाधि को विराम दें। दैत्य दुर्गमासुर से पीड़ित इन पृथ्वीवासियों की रक्षा करें स्वामी। जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ। जय राष्ट्रपति शिव शंकर की जय। देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की जय। अंतर्यामी, आप जानते हैं कि परम पिता ब्रह्मा जी से वरदान में वेदों को प्राप्त कर दुष्ट दुर्गमासुर ने उन्हें पाताल लोक के कारावास में डाल दिया है। सर्वज्ञ, आप जानते हैं कि वेद ज्ञान लुप्त हो जाने से धार्मिक जन भ्रमित होकर पतित होने लगे हैं। भोलेनाथ, धार्मिक जनों ने यज्ञ करना और धर्म उपदेश देना बंद कर दिया है। यज्ञ भाग न मिलने के कारण देवताओं की शक्तियां क्षीण हो रही हैं। उनकी महान चमत्कारी शक्तियों का अंत होता जा रहा है महादेव। पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का वातावरण दूषित तो हो गया है भोलेनाथ। वेदों द्वारा निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन कर सुर सुरा सुंदरी से प्रसन्न रहना आज हर धार्मिक व्यक्ति का कार्य बन गया है। धर्म की संस्थापना, जगत कल्याण और वेदों के उद्धार के लिए आप कुछ करें महादेव। स्वामी, इस दुर्दशा के लिए दुर्गमासुर से अधिक उसके गुरु शुक्राचार्य दोषी हैं। वे आपके आश्वासन से निर्भय होकर दुर्गमासुर को नित्य नए अत्याचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप सत्य कह रही हैं माता। स्वामी, आप शुक्राचार्य को अविलंब कैलाश पर उपस्थित होने का आदेश दें तथा उनसे कहें कि दुर्गमासुर की अत्याचारी गतिविधियों का अंत करवाएं, अथवा आप स्वयं उसे दंडित करें। देवी, ब्रह्म वाक्य की मर्यादा की रक्षा करना हम त्रिदेव का कर्तव्य है, इसीलिए हम उसे दंडित नहीं कर सकते, किंतु हम शुक्राचार्य को यहाँ उपस्थित होने का आदेश अवश्य देंगे। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। किंतु देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि वरदानी शक्ति से उन्मत्त दुर्गमासुर का अहंकार अब किसी के समक्ष झुकना स्वीकार नहीं करेगा। अहंकार? हाँ देवी, परिश्रम से सफलता के शिखर तक पहुंचा व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च समझकर सभी को अपने समक्ष झुकाने का प्रयास करता है, किंतु उसके भ्रम की स्थिति ये नहीं देख पाती कि वो स्वयं अहंकार के समक्ष कितना झुक गया है। वरदान से प्राप्त अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन गया दुर्गमासुर, इन स्थितियों से बचेगा नहीं। अर्थात उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बनेगा। हाँ ऋषि, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तथा अनेक शक्ति से संपन्न व्यक्ति के पतन का कारण अहंकार ही बनता है। क्या दुर्गमासुर की अहंकारी गतिविधियों का प्रारंभ हो गया है प्रभु? वो तो उसी दिन हो गया था ऋषिवर, जिस दिन उसने ब्रह्मदेव से प्राप्त वेदों को
पाताल लोक के कारावास में डाल दिया था। वो कैसे स्वामी? देवी, अहंकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो अपने हर कार्य को दूसरों की दृष्टि में देखने का इच्छुक रहता है। वेदों को क्रूरता पूर्वक पाताल लोक में बंदी बनाने के पश्चात दुर्गम असुर भी शुक्राचार्य के पास न जाकर अपने कुकृत्यों की प्रतिक्रिया देखने पृथ्वी लोक पर गया। हाँ प्रभु, और जब उसने हम ऋषि मुनियों को वेद ऋचाएं भूलते देखा तो उसका अहंकार अट्टहास कर प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। अहंकारी के लिए यह अवस्था अधिक घातक होती है। दूसरों के कष्ट देखकर उसका अहंकार प्रसन्न होता है। इसी क्षण मात्र की प्रसन्नता को पाने के लिए वो अहंकार में उन्मत्त होकर घोर से घोर अत्याचार करता है, जो उसके पतन का कारण बन जाता है। अर्थात हम सबको अपने जीवन में अहंकार से शत्रुता करनी होगी। हाँ नंद, देव मनुष्य तथा दैत्य सभी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार ही है। अर्थात जब दुर्गम दैत्य का अहंकार चरम सीमा तक पहुंच जाएगा तो अन्य शक्तियां उसका सर्वनाश कर देंगी। अन्यत्र शक्ति तो निमित्त मात्र है नंद, दुर्गम असुर का सर्वनाश तो उसका अहंकार ही कर देगा। किंतु वर्तमान की विकट परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए आप शुक्राचार्य को उपस्थित होने का आदेश देने वाले थे स्वामी। अवश्य दे, शुक्राचार्य को अपने आदेश से नियंत्रित करना इन परिस्थितियों में नीति संगत होगा। शुक्राचार्य शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो।